ओके सो मॉडल के भी फट रहे हैं बिकॉज सामने जनता है पूरी की पूरी लाइन पे खड़ी हुई है, और मेरे को नहीं लगता वो लोग हिलने वाले हैं वहाँ से, बिकॉज लाइन से अगर हिले तो अंदर एंट्री नहीं मिलेगी सबसे बड़ी बात। मॉडल के पीछे छुप रहा है, मॉडल जय के पीछे छुप छुप के चल रहा है, बहुत ही गलत सीन। मतलब सारे भागते हुए मतलब मॉडल को उठा के रिकॉर्डेड वो आ रहा है स्क्रीन में, बस देख के। Okay, so guys, my name is Ketan. I am along Mortal and Edward Thug over here with me. Guys, we are waiting for you at the Baliwadi Stadium to for the PMIT Pune Finals. So come in quickly. अबे तू हक चुरा है। अबे क्या करूँ? कुछ ऐसे लग रहा है कि I only borrowed 2 minutes. Yeah. Let's make it faster. जल्दी आओ, join करो यार। हाँ भाई। Come meet us or something. हिंदी में बोलो। Be yourself, dude. हिंदी में बात कर ले। So guys, my name is Ketan. I am along with Mortal and Edward Thug over here. Guys, हम आपका wait कर रहे हैं Baliwadi Stadium पे। Stream begins at 1 p.m. sharp. Okay. क्या लूप दे रहे? बालेवाड़ी क्या होता है? बालेवाड़ी से 12:30 बालेवाड़ी से करेंगे ना? पुण्याची पब्लिक, वी आर वेटिंग फॉर यू एट बालेवाड़ी स्टेडियम। Stream begins at 12:30 p.m. sharp. Be there. Thank you. Adu. सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। अभी हमारा फाइनल डे स्टार्ट हो चुका है, अभी कास्टिंग वगैरह अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगी। एंड ओके फोटो चल ओके। सो फाइनल डे भी आज का स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं कास्टिंग वगैरह कैसे रहने वाली। ऑडियंस सारी बाहर पैक्ड है। अब तो टॉक कर, वर्क करियो, अरे ढंग से करना। बाद में मॉडल कर तो सही। ओके सो अभी देखते हैं, प्लेयर्स वगैरह के सारे डिवाइसेस वगैरह रेडी हैं, एंड ऑडियंस थोड़ी देर में आती होगी, 15-20 मिनट के अंदर शायद एंट्री हो जाएगी उनकी। सो हमारे डेस्क वगैरह रेडी है, बस साउंड चेक करना है। हाउ आर यू फीलिंग मैन? हाउ इज इट गोइंग? फीलिंग गुड मैन, एक्साइटेड। क्या चल रहा है? मतलब अभी आई थिंक आई एम गोना हैव सम फूड राइट नाउ। ओके सो आई ईटन, आई गॉट लेट हाउ। सबवे, आई होप इट्स गुड। देखते हैं। चलो मैन, चलो सी यू ऑन द ब्रेक। मिलते हैं बाबा। चलो बाय बाय। ओके सो फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग व्हेन आई एम कास्टिंग। अभी देखते हैं कैसा रहने वाला है, बिकॉज ऑडियंस अभी सामने आने वाली है, देखते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा शोर होने वाला है। कल हम लोगों ने ड्राई रन में देखा था तो इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही थी, बट एट द एंड आज बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। नॉइस कैंसिलेशन देखते हैं कैसा रहेगा, बिकॉज स्पीकर्स हमारे जस्ट सामने है एंड हमारा डेस्क है ये। सो वी थ्री ऑल ऑफ द थ्री कास्टर्स गोना सेट ओवर हियर, एंड उधर रहेंगे इंग्लिश कास्टर्स, यहाँ पे सामने ऑडियंस रहेगी। एंड मेरे ख्याल से इस साइड पे ज़्यादा ऑडियंस भरेगी फॉर श्योर, बिकॉज मॉर्टल रहेगा अपने साथ। एंड देखते हैं, तीन मैच के बाद शायद एक बड़ा ब्रेक मिलता है हमें। आज शायद दो ब्रेक मिलेंगे, लेट्स सी कैसा जाता है। एंड लंच भी उसी ब्रेक के बीच में हमें करने पड़ते हैं। जनता इसको देखो, कल से पता नहीं 10 या 15 बार अपनी स्नाइपर वाली वो वीडियो जो इसने अपलोड करी है अभी। एंड अच्छी बात यह कि कॉमेंट्स पढ़ रहा है अपने पद्दू चाचा, कल से ये सेल्फ ऑब्सेस देख रहे हो? ए सेल्फ ऑब्सेस नहीं, 15-20 बार देख चुका है। कल थक ने भी आपको बताया, लाइक उसको गाड़ी से आ रहा था जब मुंबई से पुणे, एंड ही वाज लाइक पूरे टाइम वही देख रहा था। फोन आ गया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, टेंशन आ गया। अरे नहीं आया, नहीं आया नंबर, मैंने ऊपर देख ऊपर कर रखा था कैमरा। सो सेल्फ ऑब्सेशन देख रहा हूँ, मतलब 3 मिलियन सब्सक्राइबर। कल एक एक व्यू काउंट कर रहा था, पता है जो स्टार्टिंग जब यूट्यूब करते ना, जब 300 होता है, 301, 302, लौंडा पता है क्या देख रहा था? 1 लाख, फिर स्वाइप अप करा, 2 लाख, फिर स्वाइप करा नीचे, 4 लाख, फिर स्वाइप, 1 मिलियन, ओ ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग।
अच्छा एक बात बता, सारे कॉमेडियंस की वीडियो आती है ट्रेंडिंग में, सारे वाइनर्स के आते हैं, बट गेमिंग की क्यों नहीं आती? गेमिंग कैटेगरी है कि नहीं अभी तक? मतलब वो लोग कर रहे हैं कुछ इस पर कैंपेन मेरे हिसाब से, तो आ जाएगी क्योंकि होनी चाहिए, बिकॉज इस चीज़ के बारे में थग ने ट्वीट करा था, मैंने रीट्वीट करा था, बिकॉज अगर फैन फेस्ट की बात देखो, अभी क्रिएटर समिट हुआ था, यूट्यूब क्रिएटर समिट, एक गेमर गया था ग्लोबल ई स्पोर्ट्स है, बट आगे देखते हैं फॉर श्योर मॉडल एंड डायनमो, दे बोथ आर द आई थिंक तुम्हारे ही दोनों के बड़े चैनल है सबसे इंडिया में, सो उनको इन्वाइट नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ ग्लोबल ई स्पोर्ट को नहीं आना चाहिए, बट ये चीज़ यूट्यूब इंडिया को देखनी चाहिए, दे शुड Have a look on gamers also. Like आगे आने टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ में. देख कितना डालू दो के हिसाब से. आज कास्टिंग में पूरा ब्लास्ट होने वाला है, कास्टिंग में पूरा सड़ने वाला है. मेरा नहीं है ये. पूरा सड़ने वाला है. क्वांटिटी देखो. मतलब पूरा बूम बम कास्टिंग है. पूरा. ये. ओके सो गाइज आई विल बी वेयरिंग ब्लेजर. अभी जस्ट मेरे पास था नहीं, मैं लाया नहीं था बैंगलोर से, बिकॉज सारा सामान मेरा पड़ा हुआ है दिल्ली में. एंड कद्दू चाचा एंड एडबिट सर अभी मेकअप यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, 15-20 मिनट में शायद हम लोग ऑन स्टेज होंगे. एंड एक और चीज़ मैं प्लान कर रहा था कि मैं अपना कैमरा लेके जाऊँगा स्टेज पे, बट इवेंचुअली फिर वही ब्रांडिंग का इशू हो जाता है. देखते हैं अगर अभी भी इट्स अ होप, अगर हो गया तो मज़ा आ जाएगा. सारे बहुत सुंदर होके बाहर आएंगे. सबसे ज़्यादा सुंदर होगा वो भी हो जाएगा, इसको टिक कराऊंगा. अभी प्राइड प्राइड यहाँ पे ड्राई डे चल रहा है अभी. ड्राई डे सॉरी यार, ये कैमरा को मैं से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सच में देखा नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ. जनता मीम ओके सो वी आर डन, वी आर ऑलरेडी लेट फॉर द स्टेज. अरे भाई ज़्यादा मेकअप ना हो गया, बस लेट्स गो. प्लेयर्स आर रेडी एज यू कैन सी. अभी जस्ट अनाउंसमेंट होगी, पहले इंग्लिश कास्टर्स फिर हिंदी कास्टर्स एंड वी आर ऑन द स्टेज. ये दोनों हरामपुर बोलो. अबोल पटेल क्या अबोल ना. बीटी मेरे को अपना जब मैं स्टेज में जा रहा था मेरे को पूरा शॉट चाहिए था, बट इवेंचुअली कोई भी शूट करने के लिए रेडी नहीं है. सो कैमरा मैं शायद रायपुर के दे दूँगा, अवेलेबल ही नहीं है. मैं चाह रहा था कि हिंदी कास्टर्स की एंट्री पूरी इनफॉर्मल वे में. एनी वेज उन्हें की पब्लिक पूरी की पूरी रेडी है मचाने के लिए. अभी दो बार मैच स्टार्ट हुए थे एंड इट गॉट री मैच. अभी एक और मैच ऐसे स्टार्ट होने वाला है, बेसिकली थर्ड मैच स्टार्ट होगा इवेंचुअली. वी एज अ कास्टर्स थोड़ा सा हेक्टिक होते हैं ये सारी चीज़ें संभालना, बट एज अ ऑडियंस आई नो जो भी पुणे देखने आए होंगे ये व्लॉग शायद उसके बाद ही जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है. पाँचों मैच पूरे होंगे हमारे पास, चार विनर्स पूरे देखने को मिलेंगे पुणे लैंड से. एंड पद्दू भैया भी लाइक नहीं आया कैमरा. नहीं आया पक्का? नहीं आया ना, मैं देख रहा हूँ नहीं आ रहा गाइस कैमरा पे हम जो कांड कर रहे हैं. ये सब नहीं आया, देखा नहीं आया. ओके सो नमन की मॉम को वहाँ पे सबने घेर लिया है. एवरीबॉडी इज लाइक क्लिकिंग दोस्त ना, थर्ड मैच रेडी होगा एंड एवरीवन इन द पब्लिक दे आर रेडी. अभी देखते हैं हमारा कल का भी प्लान रहने वाला है. एंड फॉर नाउ अभी पीछे जाके ब्लॉग करेंगे थोड़ी देर तक, बिकॉज पुणे की पब्लिक यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा हार्ड रही है पूरे दिन. क्या सपोर्ट दिखाई लोगों ने.
ओके सो इवेंट हैज़ बीन ओवर. अभी मैंने बिकॉज बीच में शूट नहीं करा क्योंकि कुछ मिस हैपनिंग हो गया था लैंड में एंड वो चीज़ फॉर श्योर शूट नहीं कर सकते थे. एंड आई थिंक जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है उनके पास पहुंच चुकी है वीडियो की क्या था. यूट्यूब में भी आ जाएगा वो चीज़. बट एज ऑफ नाउ इवेंट हैज़ गॉट ओवर. मज़ा आया कास्ट करके विद मॉर्टल एंड थग. देखते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर अपॉर्चुनिटी. अगर हमें मिलती है तो फिर से व्लॉग करेंगे. एंड यू गाइज आर लविंग द व्लॉग. जो भी पुणे में मिले थे, मैं व्लॉग नहीं कर पाया, मैं बोल रहा था आपके पास आऊँगा. बहुत सेल्फीज़ क्लिक करी आज मैंने जितनी सेल्फीज़ क्लिक करी उतनी आज तक ना मैंने दिल्ली में करी थी, और भी जो हमारे हैदराबाद में लैन हुए थे तब भी नहीं करी थी. बट सैल्यूट टू ऑल ऑफ द गाइज जो भी यहाँ पे आए देखने के लिए वाला लैन. एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव जो भी आप लोगों ने दिखाया. यू गाइज आर लाइक अमेजिंग. ओके सो थोड़े बहुत टी शर्ट यहाँ पे हम लोग गिवअवे कर रहे थे एंड ऑल ऑफ द पीपल आर लाइक क्रेजी अबाउट मॉडल. एंड दो तीन टी शर्ट हम लोगों ने भी गिवअवे कर दिए. चलता रहता है बट इवेंचुअली द डे वेंट वेल. एंड अभी भी क्राउड देखो यहाँ पे पीछे लगी हुई है. दे आर लाइक डार्क साइड ऑफ मॉडल देखो पीछे. हमारा फ्लोर वो साइड है. हमारा बाय गाइस. ओके सो इसके बाद अभी हम लोग निकलेंगे कल कहीं ट्रैवल कर रहे हैं. वो चीज़ हम लोग बताएंगे कल कि रिवील करूंगा कि कहाँ पे जा रहे हैं. हिटलर तो आ रहे हैं हमारे साथ. किधर? जहाँ हम लोग जाएंगे कभी अभी परसों जाएंगे जहाँ पे 24th. देखते हैं यार. सभी का कुछ फाइनल नहीं है. लेट्स सी. अभी तो डिनर मंगवाना है एंड इवेंट गॉट ओवर. मज़ा सा आ गया एंड सारी पब्लिक से मिले. भी देखते हैं होटल रूम के अंदर जाते हैं. लेट्स हैव अ चैट. अगर कोई मिलता है डिनर करेंगे. व्लॉग एडिट करना है क्योंकि कल अपलोड करना है. वी गोना एडिट दिस व्लॉग. आज रात को पूरा बैठ गया. ये लोग सो जाएंगे. ये देखो ये सो जाएंगे. हम लोगों को एडिट करना पड़ता है. कास्ट एडिट सब कुछ एक मरी पड़ी है जिंदगी. सो लाइक कर देना. लाइक इज मोर इम्पोर्टेंट. सो या सब्सक्राइब भी तो करना होता है. ओके सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ द लैंड इवेंट. एंड कल रात को थोड़ी बहुत बातें करी थी हम लोगों ने. रात को लेट नाइट सोए थे तो मैं ये व्लॉग को एडिट नहीं कर पाया था. अभी एडिट करके मैं थोड़ा लेट ही अपलोड करूंगा बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 3 or 4 PM इन द आफ्टरनून. अभी देखते हैं कि हमारा अगला प्लान जो है वो मैं बताऊंगा अगले व्लॉग में वेयर वी आर गोइंग. बिकॉज मैं मॉर्टल तक भी शायद आ रहे हैं एंड बाकी और भी इन्फ्लुएंसर्स अभी फ्लाइंग कर रहे हैं पुणे में. एंड फिर पुणे से हम लोग कहीं पे जाने वाले हैं. वो चीज़ तो आपको पता चलेगी कि आने वाले व्लॉग में कहाँ जा रहे हैं. शायद कल पता चल जाएगी बिकॉज टुमारो वी आर ट्रैवलिंग. एंड एक बात और जो अभी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा चल रही है जो कि हैकर्स के लिए. एंड ट्रस्ट मी पबजी वाले इंडिया को भी पता है. सबको पता है कि हैकर्स हैं. वो लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं कि वो चीज हटे बिकॉज उनको भी अपनी गेम सर्वाइव करानी है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. एंड हैकर्स के नाम पे जो भी हेट चल रहा है यूट्यूबर्स के बीच में, आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी काइंड ऑफ नेम्स, बट आपको पता है. सो वो चीजें नहीं होनी चाहिए बिकॉज इवेंचुअली एक जो एटमोसफेयर बनता है फिर वो हेट का ही बनेगा. सो कभी भी कुछ भी बात किसी अच्छे काम के लिए भी अगर रेस करनी होगी वो भी नेगेटिव वे में ही बाहर आएगी. सो वो चीज नहीं होनी चाहिए. एंड मेरे पर्सपेक्टिव से इट शुड बी शोन टूवर्ड्स द ऑफिशियल्स इन अ वेरी पॉजिटिव एंड जो कि कल लैन इवेंट में भी हुआ. जो प्लेयर्स ने सब ने जो एक मेजॉरिटी दिखा के एक प्रोटेस्ट काइंड ऑफ करा था. एंड इवेंचुअली पबजी वाले इंडिया ऑफिशियल्स को भी पता चला कि हाँ उन लोगों से भी वो लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं. उनको भी ऐसा नहीं है कि हाँ 400-500 पिंग में प्लेयर को खिलाए. किसी का भी ऐसा मोटिव नहीं होता. बट इवेंचुअली दैट हैपेंड एंड नाउ दे आर लाइक रियलाइजिंग. अब देखते हैं कि कैसे आने वाले लैन इवेंट में पिंग रहे बिकॉज अभी वाइजैक का लैन फाइनल बचा है. उसके बाद हमारा ग्रैंड फाइनल कोलकाता का भी बचा है. ओके सो स्टाफ आया था मिलने के लिए. ओके सो जैसे मैंने बोला पहले कि ऑफिशियल्स को पता है उनको क्या काम करना है. उनको पता है कि उनकी साइड से भी गलती थी बट आने वाले लैन इवेंट में वाइजैक बचा है, ग्रैंड फाइनल्स बचा है, तो वहाँ पे अच्छा खासा सा इवेंट वो लोग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे. जो प्लेयर लोगों ने जो भी स्टैंड आउट लिया था उन लोगों ने साइड में खड़े होके कि हम लोग नहीं खेलेंगे वो लोग, तो वो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं बिकॉज दैट इज़ समथिंग आउटसाइड द रूल. लाइक अब रूल को तोड़ के कोई ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट नहीं करा सकते. सो वहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे उनको भी पता है कि भाई ये चीज़ तो नहीं होने वाली. अगर वहाँ पे 5 टीम भी बैठती है कि हम लोग खेलने वाले हैं तो वो लोग करवाएंगे ही करेंगे. और वहाँ पे कोई भी टीम नहीं भी बैठती तो वहाँ से वो लोग टोटल स्टैंडिंग्स आउट कर देते. तो वो रूल्स हैं, ई स्पोर्ट्स के रूल्स हैं. उसके अलावा आप सोचते हो कि रीमैच हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता. एंड जितने भी हैकर्स हैं इन द कम्युनिटी, इफ़ यू आर डूइंग द थिंग जस्ट डोंट. गेम अच्छी है, खेलो.
रिस्पेक्ट करो रूल्स को एंड एक क्लीन एनवायरनमेंट रखो ताकि सबको कंटेंट बनाने में मजा आए. एंड वी इन्फ्लुएंसर आर लाइक डूइंग अमेजिंग जॉब. यहाँ पे मॉर्टल है थाग, हम लोगों ने कल कितना समझाया प्लेयर को, वी डिड अवर लेवल बेस्ट. एंड थाग ने वहाँ पे ऑफिशियल से बात करी एंड फिर वहाँ पे प्लेयर्स के साथ जाके बात करी, बिकॉज वो चीज जरूरी थी, बिकॉज ऑफिशियल उस वे से बात नहीं कर सकते जिस वे से हम बात कर सकते हैं. तो वो चीज ठीक हुई एंड मजा आ गया कल बेसिकली लैन इवेंट में. तो दोजू केम टू मीट मी मॉर्टल एंड थाग एंड सारे जो भी प्लेयर्स को देखने के लिए आए थे इन पूरे लैन इवेंट. थम्स अप टू यू गाइस. एंड हाँ, मैं व्लॉग नहीं कर पाया जैसे मैंने पहले बोला, सॉरी फॉर दैट, बट आने वाले टाइम पे व्लॉग्स गोना बी अमेजिंग. अभी दो दिन और. सो थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी फॉर मेकिंग मी दीज व्लॉग्स. एंड आने वाले टाइम पे और भी मैं मेहनत कर रहा हूँ एडिटिंग में कि थोड़ा और भी कुछ नई चीजें सीखूं, तो आने वाले टाइम पे वो भी इंप्लीमेंट करूंगा. बट सो फॉर नाउ आई होप यू गाइस हैव लाइक्ड दिस व्लॉग एंड मेक श्योर दैट द लाइक बटन इफ यू डिड. एंड अभी तक तो देख लिया है व्लॉग तो यार लाइक करके जाना, पता नहीं 10-15 मिनट का शायद वीडियो बन जाएगा, बिकॉज मैंने लैन के बीच में कुछ शूट नहीं करा था, स्टार्टिंग में करा, एंड में करा, उसके बाद करा. सो आई होप यू गाइज हैव लाइक द व्लॉग. सब्सक्राइब करते रहे चैनल को फॉर मोर व्लॉग्स एंड अमेजिंग कॉन्टेंट. लाइव स्ट्रीम भी हम लोग करेंगे अभी घर जाते टाइम. आई नीड टू फिगर इट आउट कि लाइव स्ट्रीम कौन से टाइम पे किस चीज़ की करनी है. सो कंटेंट बहुत सारा आने वाला है, आप बस लगे रहो चैनल के साथ, सपोर्ट करते रहो, इसी तरह प्यार दिखाते रहो एंड मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा. सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट.